बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर की आउटलाइंस हैं मोटिवेशन, व्हाई वी स्टडी इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इम्परफेक्शन, क्रिस्टल इम्परफेक्शंस, वैकेंसीज, सेल्फ इंटरस्टिशंस। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, क्रिस्टल इम्परफेक्शन इज यूजफुल और यूजलेस। वी हैव टू डिसाइड atomic defects are responsible for reduction of gas pollutant emission from automobile engine. Automobile engine ke andar ek exhaust system hota hai. Is exhaust system ka kaam hai engine se nikalne wali hazard gases ko less hazard gases mein convert karke engine se bahar nikalna. और इसमें एटॉमिक डिफेक्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं ये हम देखते हैं। गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है और इस कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं इसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है उसमें हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस हैं जो कि पॉइजनस हैं और इन हैज़र्ड गैसेस को केमिकल रिएक्शन के बाद लेस हैज़र्ड गैसेस में कन्वर्ट करके इसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया जाता है। वो गैसेस जो निकलती हैं गाड़ी के बाहर एग्जॉस्ट सिस्टम के बाहर उसमें वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और नाइट्रोजन हो सकती है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर इस एग्जॉस्ट सिस्टम का एक हिस्सा होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ ए pollution reducing device in the exhaust system. Crystalline metallic materials inside the catalytic converter. Catalytic converter के अंदर crystalline metallic materials होते हैं और इन metallic materials के अंदर imperfections हैं और इन imperfections में जो poisonous gases हैं उसके molecules अटैच हो जाते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और रिजल्ट के नतीजे में जो पॉइजनस गैसेस हैं वो लेस पॉइजनस हो के इस एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकल जाती हैं। ये कैटालिटिक कन्वर्टर है जो यहाँ फिगर में दिखाया गया है। इस तरफ से गैसेस इन होती हैं और इस तरफ से गैसेस आउट होती हैं और ये इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी, और इसमें यहाँ पर होगा इंसुलेशन पैकिंग यहाँ पे दी हुई है और कैटालिटिक सबस्ट्रेट यहाँ पे है। यहाँ पे एक सिरामिक मोनोलिथ है, मोनोलिथ का मतलब होता है ब्लॉक, एक सिरामिक ब्लॉक है यहाँ पे ऑन विच द मेटेलिक कैटलिस्ट सबस्ट्रेट इज़ डिपॉजिटेड। ठीक है, यहाँ पे एक सिरामिक ब्लॉक है और इस सिरामिक ब्लॉक को कैटालिटिक सबस्ट्रेट से डोप किया हुआ है और ये जो कैटालिटिक सबस्ट्रेट है ये कोई थिन मेटालिक फॉइल हो सकती है और इन थिन मेटालिक फॉइल के अंदर इम्परफेक्शंस हैं और पॉइजनस गैसेस जब यहाँ से गुज़रती हैं तो इन परफेक्शंस के ऊपर ये स्टिक हो जाती हैं जहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो पॉइजनस गैसेस हैं और लेस पॉइजनस गैसेस में कन्वर्ट होके एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकल जाती हैं, गाड़ी से आउट हो जाती हैं। तो इम्परफेक्शन जो हैं वो यूज़फुल हैं या नहीं यूज़फुल हैं ये आपने इसको डिसाइड करना है। फिगर सी के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक सिरामिक ब्लॉक है और इसके ऊपर मेटेलिक कैटालिटिक सबस्ट्रेट है और जिसकी यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है और अगर इसी का हाई रेजोल्यूशन 10 माइक्रोग्राफ लिया जाए तो वो इस फिगर डी में दिखाया जा रहा है और यहाँ पर इम्परफेक्शंस नज़र आ रही हैं और जितने पॉइजनस मॉलिक्यूल्स हैं वो इन इम्परफेक्शंस के ऊपर अटैच हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद वो जो पॉइजनस मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस पॉइजनस हो के एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर इम्परफेक्शंस एक रोल प्ले कर रही हैं जो पॉइजनस गैसेस को लेस पॉइजनस गैसेस में कन्वर्ट कर रही हैं। व्हाई वी स्टडी इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ सम मटेरियल्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड
बाई द प्रेजेंस ऑफ इम्परफेक्शंस. इम्परफेक्शंस जो हैं वो मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ इन्हांस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. कंसिक्वेंटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ नॉलेज अबाउट द टाइप ऑफ इम्परफेक्शंस दैट एग्जिस्ट एंड द रोल दे प्ले इन अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ मटीरियल्स. लिहाजा ज़रूरी है कि इम्परफेक्शंस की टाइप्स को जाना जाए और जो वो एक रोल प्ले करते हैं मटीरियल के बिहेवियर को चेंज करने में. फॉर एग्ज़ाम्पल द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर मेटल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वेरिएशन व्हेन द इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रास इज मच हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर दैन द प्योर कॉपर. इम्परफेक्शंस मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर देते हैं. जैसे आप कह सकते हैं कि ब्रास है, ब्रास के अंदर 70% कॉपर है और 30% जिंक है. कॉपर के अंदर जिंक मिक्स करने का मकसद यह है कि जो मटेरियल है वो हार्डर और स्ट्रॉन्गर हो जाए, क्योंकि कॉपर इतना ज़्यादा हार्डर नहीं है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है और जब हम इसमें जिंक डालते हैं तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में मैनी टाइम्स इजाफा हो जाता है. तो इम्परफेक्शन जो है मटीरियल की प्रॉपर्टीज चेंज करने में मेन रोल प्ले कर रहे हैं. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर हम देखते हैं पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, पीएन जंक्शन, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज वगैरह हम देखते हैं. तो इसके अंदर सारा जो रोल है वो डोपिंग का है. और डोपिंग क्या है? डोपिंग इम्परफेक्शन है. तो इम्परफेक्शन जो हैं वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं. आल्सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स एंड होम अप्लायंसेस फंक्शन बिकॉज ऑफ हाईली कंट्रोल्ड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक इम्प्योरिटी दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल लोकलाइज्ड रीजन्स ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल. मीन्स डोप्ड सेमी कंडक्टर्स आर यूजफुल इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. तो हम देख सकते हैं कि डोपिंग के ज़रिए हम मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, और जो डोपिंग हो रही है ये इम्परफेक्शंस हैं. लिहाजा ज़रूरी है कि हम इन इम्परफेक्शंस की डिफरेंट टाइप्स को देखें और उनका मटेरियल के अंदर जो बिहेवियर है उसको भी स्टडी करें. टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इम्परफेक्शंस, ये चार तरह के क्रिस्टल इम्परफेक्शंस हैं. पहली तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, और पॉइंट डिफेक्ट्स ज़ीरो डायमेंशन वाले होंगे. डेफिनेटली पॉइंट डिफेक्ट के अंदर वैकेंसी होगी और इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, और फिर वन डायमेंशनल इम्परफेक्शन हो सकती है. और ये वन डायमेंशनल इम्परफेक्शंस हैं, इसमें एज डिसलोकेशन हो सकती है, स्क्रू डिसलोकेशन हो सकती है, ये उन दोनों को मिक्स करके मिक्स डिसलोकेशन हो सकती है. ये टू डायमेंशनल इम्परफेक्शंस हैं, और टू डायमेंशनल इम्परफेक्शंस के अंदर एक्सटर्नल सरफेस डिफेक्ट्स, ग्रेन बाउंड्रीज, फेस बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज, मिसलिनियस इंटरफेशियल इफेक्ट्स हो सकते हैं. और ये बल्क वाले हैं, थ्री डायमेंशनल इम्परफेक्शंस हैं, बल्क और वॉल्यूम डिफेक्ट्स हैं. इसके अंदर पोर्स हो सकते हैं, क्रैक्स हो सकते हैं, फॉरेन इंक्लूजंस हो सकती हैं, या अदर फेजेस हो सकते हैं. तो एक शॉर्ट समरी सी है जिसमें ज़ीरो ऑर्डर डिफेक्ट्स, वन डायमेंशनल डिफेक्ट्स, टू डायमेंशनल डिफेक्ट्स एंड थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट्स हैं वो शामिल हैं. क्रिस्टल इम्परफेक्शंस, इट हैज़ बीन अज्यूम दैट परफेक्ट ऑर्डर एग्जिस्ट थ्रू आउट द क्रिस्टलाइन मटीरियल ऑन एन एटॉमिक स्केल. ये अज्यूम किया गया है क्रिस्टलाइन मटीरियल के ऊपर परफेक्ट ऑर्डर है, उसके जो एटॉमिक अरेंजमेंट हैं वो परफेक्ट ऑर्डर के अंदर अलाइनमेंट हैं, उसके अंदर कहीं भी कोई डिफेक्ट या इम्परफेक्शन नहीं है. तो ये तो एक आइडियलाइज सॉलिड हो सकता है. अलबत्ता जो प्रैक्टिकल सॉलिड्स हैं उनमें बेशुमार इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं. क्रिस्टलाइन डिफेक्ट रेफर टू ए लैटिस इररेगुलरिटी. जो लैटिस इररेगुलरिटी है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन डिफेक्ट. ये इररेगुलरिटी ज़ीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल हो सकती है. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन इज मेड अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ द डिफेक्ट. सेवरल डिफरेंट इम्परफेक्शंस आर
पॉइंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, दोज एसोसिएटेड विद वन और टू एटॉमिक पोजीशंस। पॉइंट डिफेक्ट वही होंगे जो एक एटॉमिक पोजीशन पे हो या फिर दो एटॉमिक पोजीशंस के ऊपर हों। लीनियर डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो वन डायमेंशनल हों। इंटरफेशियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं या बाउंड्रीज हो सकती हैं जो कि टू डायमेंशनल हों। तो क्रिस्टल इम्परफेक्शंस के अंदर हमने ये देखा कि आइडियलाइज सॉलिड तो कहीं भी नहीं है, उसके अंदर बेशुमार डिफेक्ट्स होने ही होने हैं, और वो जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें हम इम्परफेक्शन कहते हैं। और इस डिफेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं एज ए लैटिस इरेगुलरिटी, और इसको फिर हम क्लासिफाई करेंगे पॉइंट डिफेक्ट की शक्ल में, लीनियर डिफेक्ट की शक्ल में और इंटरफेशियल डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं तो पॉइंट डिफेक्ट या वैकेंसी, द सिंपलेस्ट ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट इज़ वैकेंसी और ए वेकेंट लैटिस साइट। एक वेकेंट लैटिस साइट को हम वैकेंसी कहते हैं। वन नॉर्मली ऑक्यूपाइड बट फ्रॉम विच एन एटम इज मिसिंग, सिर्फ एक ऐसी लैटिस साइट है जिसमें एक एटम मिसिंग है। आप ये देख सकते हैं लैटिस है टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वैकेंसी एंड ए सेल्फ इंटरस्टिशियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल लैटिस दिया गया है और उसमें एक लैटिस साइट मिसिंग है, और अगर एक लैटिस साइट मिसिंग हो वहाँ पे एक एटम मिसिंग है तो इसे हम कहते हैं वैकेंसी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव वैकेंसीज एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट सच मटेरियल फ्री फ्रॉम वैकेंसीज। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें वैकेंसीज तो लाजमी होती हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसा मटीरियल डिवाइस करें जो वैकेंसीज के बगैर हो। प्रेजेंस ऑफ वैकेंसी इंक्रीजेस एंट्रोपी या डिसऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल। ये हमें पता है कि वैकेंसीज जैसे बढ़ती जाएंगी एंट्रोपी या डिसऑर्डर उसी तरह बढ़ता जाएगा। हम नंबर ऑफ वैकेंसीज को फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इस फार्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ वैकेंसीज को फाइंड कर सकते हैं। द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ वैकेंसीज एन वी फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन पर मीटर क्यूब डिपेंड्स ऑन एंड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। जो वैकेंसीज हैं उनका नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, और ये जो वैकेंसीज हैं ये डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर जैसे राइज होता है तो ये वैकेंसीज भी राइज होती हैं। और इस इक्वेशन के अंदर ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एन वी जो है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, और इसके अंदर जो एन है ये नंबर ऑफ़ एटॉमिक साइट्स हैं, और क्यू वी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी है वो क्यू वी है, और के इसके अंदर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है इन केल्विन के अंदर। और इस इक्वेशन को यूज़ करके हम नंबर ऑफ वैकेंसीज फाइंड कर सकते हैं किसी मटेरियल के अंदर। वन लैटिस साइट आउट ऑफ 10,000 विल बी एम्प्टी। ऑब्जर्वेशन ये हैं कि 10,000 लैटिस साइट्स अगर हों तो उसमें एक लैटिस साइट एम्प्टी होगी। एग्जांपल 4.1 है, उसको आप उसमें आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। इस स्लाइड में हमने देखा कि एक एटम पीरियोडिक अरेंजमेंट के अंदर अगर कहीं से एक एटम मिसिंग है तो उसे हम वैकेंसी कहते हैं, और इस वैकेंसी को आप माइक्रोग्राफ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी जो है वो दिखाई गई है यूजिंग ए माइक्रोग्राफ। सेल्फ इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल्स आर द साइट्स मींस अ स्पेस बिटवीन रेगुलर पोजीशंस इन एन एरे ऑफ एन एटम और आयन दैट कैन बी फिल्ड विद अदर एटम्स और आयंस। इंटरस्टिशियल हम उसको कहते हैं एक जो वैकेंसी है, एक जो स्पेस है, इस स्पेस को जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ये एक स्पेस मौजूद है, तो इस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल कहते हैं। और अगर इस स्पेस के अंदर इसी तरह का कोई एटम इसको फिल कर दे तो फिर हम उसे कहेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल, और अगर इस लैटिस के अंदर इसी तरह के दो या दो से ज़्यादा एटम्स इस वैकेंसी को फिल कर दें तो इन्हें हम कहते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल्स। इंटरस्टिशियल्स आर क्रिस्टल डिफेक्ट्स
where two or more atoms may share one lattice, thereby increasing the total energy. इंटरस्टेशियल के अंदर एक जो खाली एम्प्टी स्पेस है उसे दो से ज़्यादा उसी तरह के एटम्स फिल कर दें तो इसे हम कहते हैं सेल्फ इंटरस्टेशियल। और अगर एक वैकेंसी को दो फिल करेंगे तो वो दो एटम अब इसके अंदर नहीं आएंगे, बल्कि एक एटम इस वैकेंसी के नीचे होगा और एक एटम इसी वैकेंसी के ऊपर होगा, तो एक डंबल सा बनेगा। और जो इनका दोनों एटम का जो एक सिस्टम होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस वैकेंसी के सेंटर पे होगा, एक डंबल सा बनेगा। और इस तरह की जो फिलिंग है इसे हम कहते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल। अगर इस तरह हो कि एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी के ऊपर दो एटम आके जुड़ गए हों, आमने सामने एक डंबल सा बना रहे हों, तो उन्हें हम कहते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वेयर लैटिसाइट इज़ फिल्ड विद टू सिमिलर एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। ये ज़रूरी है कि सिमिलर एटम्स ही उसको फिल करें। सेल्फ इंटरस्टिशियल के अंदर सिमिलर एटम्स का ही फिल करना सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। टिपिकली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू एटम्स इज़ एट द लैटिसाइट। वो जो लैटिस साइट है उसी लैटिस साइट के ऊपर दोनों एटम का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ वहीं पे होगा। एंड दे आर डिस्प्लेस्ड सिमेट्रिकली फ्रॉम इट अलोंग वन ऑफ द प्रिंसिपल लैटिस डायरेक्शन कॉल्ड डंबल इंटरस्टिशियल। तो इसको आप डंबल इंटरस्टिशियल भी आप कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।